नमस्कार, मैं दीप्ति आज लेकर आई हूँ ब्रेड और उबले हुए आलू का बहुत ही टेस्टी नाश्ता। तो ना आज हम ब्रेड पकौड़ा बनाएंगे, ना ही हम ब्रेड रोल बनाएंगे। आज हम एकदम नई रेसिपी लेकर आए हैं। तो उसे बनाने के लिए हमें चाहिए 2 उबले हुए आलू। गर्मी के मौसम में कुछ ऐसा हल्का फुल्का बना ले जो झटपट से बन जाए, सभी को पसंद आए। तो यहाँ पर जो आगे पीछे की ब्रेड होती है ना, ज़्यादातर वो फ्रिज में डली रहती है, क्योंकि बच्चे भी नहीं खाते और उसको बड़े भी नहीं खाते हैं। मैं उस ब्रेड से ब्रेड क्रम्स बना लेती हूँ। तो यहाँ पर जो बीच की ब्रेड है वो तो सारे खा लेते हैं, लेकिन किनारियों वाली ब्रेड कोई नहीं खाता है। तो यहाँ पर ना मैं उन्हीं ब्रेड से ब्रेड क्रम्स रेडी कर रही हूँ। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपके साथ और शेयर कर रही हूँ। मैंने कुछ वेजिटेबल लिए हैं, लेकिन हरी मिर्ची और अदरक को मैंने इस तरह से कट करके लिया है। इस तरह से अगर रेसिपी में डालें तो अच्छा टेस्ट आता है, खाने में भी अच्छा लगता है बड़े लोगों को, पर बच्चे अगर छोटे हो ना तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। हमें ये डालना है क्योंकि इसका टेस्ट अच्छा आता है और अदरक सेहत के लिए अच्छी भी होती है। तो हम क्या करेंगे, जब हम ब्रेड क्रम्स रेडी करेंगे ना, तो उस समय पर हम अदरक और हरी मिर्ची डालकर पीस लेंगे। तो इससे पिस भी जाएगा और ब्रेड क्रम्स में अच्छा सा टेस्ट भी आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने इस तरह से पीस लिया। ब्रेड क्रम्स को साइड में रख देंगे। यहाँ पर ले लेंगे हम बॉयल आलू जो हमने मैश करके रखे हैं। यहाँ आलू आपको ठंडे लेने हैं, अगर गर्म आलू होंगे तो नमक डालते ही बहुत ज़्यादा गीले हो जाएंगे। इसमें डाल दिया है मैंने 1 टमाटर महीन कटा हुआ, साथ में लिया है मैंने प्याज, और यहाँ पर गाजर ले ली है, धनिया पत्ती, हरी मिर्च, अदरक, बस इतना ही हम यहाँ पर डाल रहे हैं। अगर आपके पास और वेजिटेबल्स हों, जैसे पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, शिमला मिर्च है, वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छी लगती है। पर मेरे पास इस समय जो अवेलेबल है सुबह सुबह, मैंने वही डाल ली है। अब जो हमने ब्रेड क्रम्स रखा था ना, मैंने यहाँ पर 4 ब्रेड का ब्रेड क्रम्स बनाया था। 2 आलू में मैंने 4 ब्रेड का ब्रेड क्रम्स डाला है और यहाँ मिक्स कर रही हूँ मैं। अब बाउल बहुत छोटा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे मुझे एक डो फॉर्म में लेकर आना है। तो इसको मैं बड़े बर्तन में डाल लेती हूँ, जिससे मुझे ये अच्छे से मिक्स करते बन जाए और ये फैले भी ना इधर उधर। तो अभी ये बहुत ज़्यादा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सामान है, पर ये जैसे ही डो में बनेगा तो ये बहुत ही थोड़ा सा हो जाता है। मतलब आप 3 से 4 लोग नाश्ता कर सकते हो अच्छे से। अब यहाँ पर ले रही हूँ मैं नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और हल्दी पाउडर थोड़ा सा कलर के लिए, हींग डाल लेंगे, हींग वगैरह अच्छी लगती है नाश्ते में सुबह सुबह। और जैसे ब्रेड है, आलू है, तो यहाँ पर थोड़ी सी अजवाइन ले लीजिए। अजवाइन अच्छी होती है सेहत के लिए और फ़ायदेमंद भी होती है, साथ ही टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल लेंगे बच्चों के हिसाब से, और पाव भाजी मसाला, मैंने एक्स्ट्रा कोई मसाला नहीं डाला है। अगर आप और मसाले नहीं यहाँ यूज़ करना चाहते हैं तो सिर्फ चाट मसाला डाल लीजिए। अब हम यहाँ पर अच्छी सी बाइंडिंग के लिए ले रहे हैं 2 चम्मच बेसन। आप मैदा भी ले सकते हो, पर मैंने यहाँ पर ब्रेड का इस्तेमाल किया है ना, तो मैंने मैदा नहीं लिया है, मैंने यहाँ पर बेसन लिया है। ब्रेड के साथ बेसन हो, आलू हो, साथ में हो अजवाइन, हींग, तो बहुत अच्छा सा नाश्ता बनकर तैयार होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, क्योंकि ये डो थोड़ा सा हाथ में चिपकेगा भी, तो आप थोड़ा थोड़ा करके तेल लगा सकते हो हाथ में, और बाकी आप इसमें पानी वगैरह मत डालो, ये बहुत अच्छे से इसी तरह से सेट हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारा बैटर सिमट कर एक जगह आ गया और हमने इसका डो बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, पहले तो सबसे पहले हाथों को आप साफ़ कर लीजिए, क्योंकि ऐसे लगे हुए हाथों से आप नहीं बना पाओगे। तो सबसे पहले मैंने हाथों को साफ़ किया है, उसके बाद हाथों में लगा लिया तेल। आप अगर चाहें तो जो तिवाई है उस पर भी थोड़ा सा तेल लगा सकते हो, उस पर तेल लगा लो और इसको ना इस तरह से हाथों की सहायता से फैला दो। आप बेलन लगाना चाहते हैं तो बेलन लगाकर भी इसको अच्छे से फैला सकते हैं। इसका ना हमें एक चौकोर सा शेप देना है इस तरह से। तो हाथों की सहायता से, उंगली की सहायता से कर लीजिए, और उसके बाद ऊपर से आप इसको अच्छे से चिकना कर दीजिए। ये देखिए, तो मैं इसको हाथों से ही सेट कर रही हूँ, मैंने बेलन नहीं लगाया है, और ये देखिए बहुत अच्छे से सेट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके छोटे छोटे से पीस यहाँ पर कट करेंगे।
आप इसके मन चाहे आकार के पीसेस कट कर सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद है। आप गोल इसको टिक्की वाला शेप भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर इस तरह से इसको चौकोर पीसेस में कट कर रही हूँ। इस नाश्ते को आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी बना कर दे सकते हैं। अगर आपके पास फ्रिज में आलू वगैरह रखे हुए हैं तो फिर आप अचानक अगर मेहमान आ जाते हैं तो भी आप उन्हें बना कर दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए कितने बढ़िया से पीसेस निकल आए हैं, लेकिन हमने इसमें प्याज डाला हुआ है, गाजर डाली हुई है, तो थोड़ा सा आप इसको हाथों की सहायता से इस तरह से शेप में ले आइए। ये देखिए बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, फुल तैयारी के साथ ये 10 मिनट में बनकर रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर सारे पीस मैंने एक यहाँ प्लेट में निकाल लिए, साइड में मैंने तेल भी गर्म करने के लिए रख दिया था। और ये देखिए तो यहाँ पर इसको हम गर्म तेल में डालकर बढ़िया से फ्राई कर लेंगे। आप यहाँ पर डीप फ्राई भी कर सकते हो, सैलो फ्राई भी कर सकते हो, जैसे भी आपको पसंद हो। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस नाश्ते को आप जैसे जब मैंने पीसेस कट किए हैं उस तरह से बनाकर आप फ्रिज में एयर टाइट डिब्बे में रख दीजिए। आप इसको 2 दिन तक रख सकते हैं। अगर कोई आने वाला है, कोई पार्टी है, आपको मतलब ज़रूरत है इसकी, तो फिर आप फटाफट से इसको डीप फ्राई सैलो फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारे सिक्कर तैयार हो गए हैं। अब आप इसे सॉस के साथ, चटनी के साथ या मेयोनीज के साथ, जिसके साथ भी आपको पसंद है, इंजॉय कीजिए। बच्चों के लंच बॉक्स में दीजिए। और रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो रिक्वेस्ट करती हूँ, मतलब एक लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर रेसिपी अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि आप इसे बनाएंगे तो आपको खाने में अच्छी लगेगी, टेस्टी लगेगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ऊपर से क्रंची, अंदर से सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी नाश्ता है ये।